हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और हमेशा की तरह बिंदास हूँ। और अभी बजे हैं शाम के 5:30। वॉच आपको उल्टी नज़र आ रही होगी और अभी 5:30 बजे हैं। और चाय जो है ना, वो मैंने सूरज को कहा कि सूरज बढ़िया सी चाय बना के पिला, तो सूरज ने अभी भी चाय पिलाई है। और चाय पीते ही आ गई एकदम इंस्टेंट एनर्जी सॉरी। और अब बस मैं ना फटाफट से, मुझे एक काम है जो कि मैं रोज़ सोचती हूँ करना है बट मॉर्निंग में टाइम मिलती नहीं है। अभी इवनिंग में थोड़ी सी टाइम है मेरे पास, क्योंकि रसोई का काम अभी तो मैं शुरू करूँगी नहीं, तो ये काम मैं जल्दी से कर लेती हूँ। और वो काम क्या है पता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट काम, चिमनी क्लीन करनी है। मुझे बहुत गंदी हो रही है, कई दिनों से मैंने की नहीं, तो अब मैं ये जल्दी से फटाफट से चिमनी क्लीन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसकी ये ऑयल ट्रे है ना, वो निकाल रही हूँ। देखिए बहुत ही गंदी हो गई है। दिवाली के बाद इस बार मैंने चिमनी की नहीं, देखिए आप पूरा काला काला ऑयल इसमें इकट्ठा हो गया है। तो ये दिवाली के बाद हुई नहीं ना, तो इस बार बहुत दिन हो गए इसीलिए। और मैं किस लिए नहीं कर रही थी पता है, क्योंकि ये जनरली मैं ना तारपीन ऑयल या फिर केरोसिन ऑयल रखती हूँ और उससे ये चिमनी जो है वो क्लीन करती हूँ। बट क्या है कि मेरे पास केरोसिन ऑयल और तारपीन ऑयल दोनों ही ख़त्म हो गया। तारपीन ऑयल तो बहुत ही पहले ख़त्म हो गया था और केरोसिन ऑयल थोड़ा सा था, वो मेरे हाथ से एक्चुअली बॉटल उलट गई और वो नाले के पास में रखती हूँ किचन में, जो नीचे जगह है ना जहाँ पर, वहाँ तो वो उलट गया। पूरा केरोसिन ऑयल थोड़ा सा ही था उसमें, ज़रा सा वो गिर गया। उसके बाद बस वो लाना भी नहीं हो रहा है और मैं रोज़ सोचती हूँ बस करूँगी चिमनी साफ़, और वो भी नहीं हो पा रही, बस उसी चक्कर में नहीं हो पा रही। तो आज मैं क्या कर रही हूँ, स्क्रॉच ब्राइट में थोड़ा सा मैंने विम लगा लिया है और उसके बाद मैंने उसको क्लीन कर दिया है। और क्या किया फिर बाद में, एक बार तो गीले कपड़े से पोंछ लिया और अब फाइनली मैं इसे पूरी चिमनी को सूखे कपड़े से पोंछ ले रही हूँ। मैं इसीलिए ना इसके ऊपर में ये क्लिंग रैप लगा करके रखती हूँ ताकि ना चिमनी गंदी नहीं हो, जो भी हो वो इसमें लगे। और ये तो हम बाद में क्या है ना, उतार के भी फेंक सकते। तो देखिए मेरी चिमनी यहाँ से तो हो गई है बिल्कुल साफ, और बाकी कहीं से गंदी हुई नहीं थी क्योंकि ये क्लिंग रैप लग रहा है। अब 2-4 महीने बाद में ये क्लिंग रैप को उतार दूंगी तो चिमनी जो है अंदर से मेरी बिल्कुल फ्रेश निकल आएगी। वरना 2 दिन से मेरी रसोई पूरी उथल पुथल हो रही है। यहाँ पर आपको पता है ये फ्रिज के जस्ट बगल में या माइक्रोवेव रहता है, ये मैंने हटा दिया है क्योंकि इस बोर्ड पे ना कोई काम चल रहा है। ये बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, काम चल रहा है। और ये यहाँ पर ना वो भैया ने सीमेंटिंग की है, इलेक्ट्रिशियन जो है ना वो आए थे, उन्होंने इसको सेट किया है बोर्ड को। अब वो आज आने की, परसों आके गए थे, इसको सेट करके गए थे, आज आने की बात थी बट अभी तक तो आए नहीं है। और जब तक ये सही नहीं हो जाता है तब तक मेरी रसोई जो है ना वो सेट नहीं होगी, क्योंकि माइक्रोवेव वहाँ सामने स्लैब पे रख दिया है, जहाँ पे मटका रखा हुआ था ना वहाँ सामने रख दिया है। देखिए मैं दिखाती हूँ, माइक्रोवेव यहाँ पर रखा हुआ है और इसकी एक्चुअल में जगह है ये वाली, और पूरी रसोई मेरी एकदम उथल पुथल हो रही है। सिर्फ ये इतना, ये जरा सा बस, कुछ भी नहीं, वो आकर के यहाँ पर वाइट सीमेंट जो है ना साइड में फिल करेंगे और जो ऊपर की ये प्लेट है वो बैठाएंगे। इतने से काम के लिए ना मेरा पूरा जो है एकदम, मेरी पूरी रसोई है उसकी बैंड बजी पड़ी है। तो इवनिंग का टाइम है अब, तो बच्चे ना इस टाइम पे, मैं बच्चों को दूध देती हूँ, बॉर्नविटा लेते हैं, बट अभी कॉफ़ी मांग रहे हैं तो थोड़ा सा कॉफ़ी डाल करके इस तरह से, ये जो छोटा जो आता है ना विस्कर, इससे अगर हम थोड़ा सा बीट कर देते हैं तो इसमें बहुत अच्छे झाग हो जाते हैं। कॉफ़ी जो एकदम झाग वाली कॉफ़ी है ना वो बन जाती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, बहुत ही कम टाइम में ना बहुत अच्छे इसमें झाग आ जाते हैं। चिमनी साफ़ की ना, तो थोड़ा बहुत ना गैस के ऊपर में भी यहाँ गंदा गिर गया है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक कपड़ा फेर लिया गैस के ऊपर में। वैसे तो गैस मेरी साफ़ ही रहती है, मैं पूरा खाना वाना बनाने के बाद फाइनली एकदम अच्छे से किचन को साफ़ करके फिर ही अगर रेस्ट भी करती हूँ या एडिटिंग करती हूँ, जो भी करती हूँ तभी करती हूँ। बट ये अभी मैंने ऊपर का ही क्लीन किया ना चिमनी, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हो गया, तो इसे बस मैं क्लीन कर ले रही हूँ। और अभी रात के खाने की तैयारी में तो थोड़ी देर है, और आज कुछ शॉर्टकट ही बनाने वाली हूँ मैं। ऐसा प्लानिंग तो यही है कि पाव भाजी का सोच रही हूँ, और अभी देखती हूँ क्या करती हूँ, क्योंकि बच्चे अब ट्यूशन जाएंगे, उसके बाद ही कुछ प्लान करती हूँ क्या करना है क्या नहीं।
और ये बर्तनों का सिंक है ना, ये तो कभी भी खाली रहता ही नहीं है। अभी भी जस्ट यहाँ से सारा मैंने खाली किया है, बर्तन क्लीन किए हैं, बास्केट को खाली किया और सूरज अपना कप रख के चला गया तो ये कप हो गया। और बस ये ऐसा साइकिल ना इसकी, ये चलती ही रहती है। ये कप भी अगर मैं हटा लूँगी थोड़ी देर बाद फिर से यहाँ पर एक दो बर्तन आ जाएंगे, तो ये एक साइकिल सी रहती है, ये चलती ही रहती है। रसोई में सिंक जो है ना वो कभी भी खाली नहीं रहता है। मैं जाके आई हूँ अभी अभी जस्ट, थोड़ा नीचे मार्केट नहीं गई थी, मतलब यहीं पास में शॉप है वहाँ गई थी और मैं लेके आई हूँ पाव। क्योंकि बच्चे ट्यूशन गए ना तो मुझे लगा मैं भी जल्दी से एक चक्कर नीचे काट के आ ही जाऊँ, तो बस ये पाव लेके आई हूँ क्योंकि आज बनने वाली है पाव भाजी। और बहुत दिन हो गए, इस बार तो मैंने पाव भाजी नहीं बनाई, बच्चे भी बहुत दिन से कर रहे हैं कि पाव भाजी नहीं बनाई मम्मा आपने, तो लगा कि अच्छा चलो पाव भाजी बना लेते, थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है। इसी बहाने क्या ना बच्चे सब्जियां भी खा लेते हैं, पाव भाजी में भाजी में सारी सब्जियां गिरती है और इसी बहाने बच्चों के पेट में सब्जियां भी चली जाती है। एक तरफ कुकर में मैंने सारे वेजिटेबल्स जो भी मुझे भाजी में डालने थे वो सारे के सारे मैंने कुकर में डाल करके और इसमें 2 से 3 विसल लगाने के लिए रख दिया है। और दूसरी तरफ मैं तैयारी कर ले रही हूँ पाव भाजी को छोंकने की। तो छोंकन जो है ना आज मैं प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ डाल के बढ़िया से छोंक लगाऊंगी इसमें। तो प्याज लहसुन काट वाट के तैयारी कर लेती हूँ मैं, तब तक दूसरी तरफ ये सीटी भी लग जाएगी। प्याज बहुत तेज है और आंखें इतनी भयंकर जल रही ना, आंखों की हालत खराब हो गई। तो ये भाजी में मैंने ना ऊपर से तड़का लगा दिया था प्याज और लहसुन का, लेकिन जब मैं तड़का लगा रही थी ना तब अनफॉर्चुनेटली वीडियो स्टॉप हो गई और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो मे बी नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तड़का बस सिंपल जैसे हम घी में तड़का लगाते हैं ना वैसे ही मैंने लगाया था। और बस इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दे रही हूँ क्योंकि भाजी जो है ना मुझे थोड़ी सी गाढ़ी सी लग रही है और भाजी थोड़ी पतली पतली ही अच्छी लगती है, तो बस इसे थोड़ा पतला कर लिया है। और इसके अंदर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेन इंग्रेडिएंट इसका होता है जो कि इसको सुपर टेस्टी बनाता है वो मैं ऐड कर देती हूँ। मैंने भाजी में डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच बटर जो कि इसको सुपर टेस्टी बनाएगा। और पाव भाजी है भाई, बटर का योगदान तो इसमें रहेगा ही रहेगा, है ना। तो बस भाजी तैयार हो गई है, फटाफट से मैं पाव तैयार कर लेती हूँ, सेक लेती हूँ और बस उसके बाद पाव भाजी एंजॉय करते हैं। ये पाव सीखते ही सबसे पहले मैं दे दूंगी बच्चों को गरम गरम और बच्चे खाएंगे उसके बाद में तुरंत ही मैं भी खा लूंगी, क्योंकि आज पारिक जी जो है ना उनका कहीं से इनविटेशन आया हुआ है, वो तो बाहर ही खा के आएंगे, तो आज मुझे उनकी वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना मस्त खा पी के उनका वेट करूंगी। तो बस बच्चों को जल्दी से सर्व कर देती हूँ और फाइनली फिर उसकी अपनी प्लेट भी तैयार कर लेती हूँ। थाली भी ले आई हूँ और मैं भी जरा आनंद ले लूं पाव भाजी का। आइए आप भी हमारे साथ गर्मा गर्म पाव भाजी का आनंद लीजिए। मस्त बनी है। तो बस हमने गर्मा गर्म पाव भाजी खा ली है, डिनर हमारा हो चुका है और पारिक जी का भी फ़ोन आया, उनको आने में होगी थोड़ी लेट, तो तब तक मैं क्या करती हूँ ना वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ ताकि मेरा ये काम जो है वो भी हो जाए और मैं एकदम फ्री हो जाऊँ। और बस आज के लिए डिनर लेकर आज का व्लॉग करूँगी मैं यही फिनिश। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए, इतनी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिएगा और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।